हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूँ रागिनी, आप सभी का स्वागत है हमारी किचन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ नारियल की बहुत ही स्वादिष्ट बर्फी, जिसे मैंने बनाई है कच्चे फ्रेश नारियल से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाती है। इतनी सॉफ्ट बनती है कि मुँह में जाते ही घुल जाएगी, आप सभी को ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाया है, इस बर्फी को। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले इस बर्फी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है, ताज़ा नारियल, जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है। इसके ऊपर का जो डार्क वाला ब्राउन पार्ट होता है, इसे छील करके मैंने इसे धो के साफ़ कर लिया है। अब एक मिक्सर की जार लेनी है हमें और ये सारा नारियल हमें इसमें ऐड कर देना है। बिना पानी डाले हमें इसे ग्राइंड करना है, बहुत ही महीन हमें इसे पीस लेना है। पानी का यूज़ हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है और बस इसे ऐसे ही हम पीस लेंगे। बहुत ही आसानी से ये पीस के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने नारियल को पीस लिया है, तो बहुत ज़्यादा इसे लिक्विड ही नहीं करना है, इसकी वजह से मैंने इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको नारियल पीसने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप 1 से 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म करने रखी है, जिसमें मैंने अभी तक घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। गैस का फ्लेम मैंने एकदम स्लो रखा है। स्लो फ्लेम पर हमें इस नारियल को 2 मिनट तक भूनना है। इसका थोड़ा सा कच्चापन हमें निकालना है, तो ड्राई करेंगे मॉइस्चराइज़र इसका ख़त्म होने तक, इसे 2 मिनट तक स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो यहाँ पर नारियल को हमने 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और हमारा जो नारियल है ये इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल चुका है, साथ में ये जो थोड़ा सा गिला गिला मॉइस्चराइजर था इसमें ये भी ख़त्म हो चुका है। अब जो नारियल का भूरा हम दुकान से लेके आते हैं, ये बिल्कुल उस तरह का बनके तैयार है। 2 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल वाला जो दूध होता है वो मैंने 1 कप लिया है। 1 कप दूध मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो 1/2 कप दूध और 1/2 कप फ्रेश क्रीम मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने 1 कप दूध यहाँ पर ऐड कर दिया है और अच्छे से हम दूध को नारियल के साथ मिक्स करके पका लेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हमें दूध को नारियल के साथ मिक्स करते हुए पकाना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। तो शक्कर आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम शक्कर इसमें ऐड कर दिया है और 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने शक्कर इसमें ऐड कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर की क्वान्टिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद में शक्कर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो जैसे शक्कर मेल्ट होगी ये चाशनी छोड़ेगा, तो जो हमारा ये मिक्सचर है बर्फी का ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा। इसे पकाएंगे हम, पकते पकते ये फिर से ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छे से पका रही हूँ। अभी ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा पतला लग रहा है, बट ये पकते पकते खुद ही ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग अब हमें इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, मीडियम से स्लो रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं रखना है, वरना जो हमारा ये नारियल है ये जल सकता है। तो लगभग मैंने इसे 5 से 6 मिनट अभी पकाया है और ये ड्राई होने स्टार्ट हो चुका है। इसमें अच्छे बुलबुले आने लग गए हैं, मीन्स जो शक्कर डाला था हमने उसकी जो चाशनी है वो अच्छे से बन चुकी है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डाल दिया, फ्रेश इलायची का पाउडर, और वो हमने इसमें ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम 4 से 5 मिनट इसे और पका लेंगे। लगभग मैंने इसे 9 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाया है और अब जो हमारा ये मिक्सचर है ये बन के तैयार है। 1 चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे ताकि इस बर्फी पे थोड़ी सी शाइन आ जाए और ये थोड़ा सा बंधने लग जाए। तो घी से स्वाद भी अच्छा आ जाता है, प्लस शाइन भी आती है और हमारी बर्फी में खाने में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो यहाँ पर एक प्लेट पर मैंने थोड़ा सा घी ग्रीस कर दिया, लगा दिया है, ताकि हम जब इसमें बर्फी सेट करें तो वो आसानी से निकल जाए। और यहाँ हमने जो बर्फी रखी थी उसे मैंने थोड़ा सा ड्राई कर लिया था, इसी कढ़ाई में छोड़ दिया था। ड्राई करने के बाद जो घी लगा हुआ प्लेट है उसमें हम इसे निकाल लेंगे और अच्छे से इसे हम एक बर्फी सेट करने के लिए जैसा फैलाया जाता है फैला लेंगे अच्छे से इसे। तो यहाँ पे ये देखिए मैं इसे अच्छे से सेट कर रही हूँ और ये जो मिक्सचर है इसे मैंने थोड़ी देर के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया था, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दिया था। इसके बाद मैंने इसे सेट करने के लिए निकाला है। इसे अच्छे से अपने मनपसंद आकार से आप फैला लीजिए। आप चाहे तो इसके लड्डू भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसे मतलब जैसे चाहे वैसे कट कर सकते हैं, चांदी का वर्क भी आप इस पे लगा सकते हैं, या आप जैसे मैं सिंपल इसे तैयार की हूँ वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से हम इसके साइज़ कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे हम सेट होने के लिए लगभग 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद ये बर्फी हमारी अच्छे से सेट होकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसे 1.5 घंटे बाहर रखा था और 1/2 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था, ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैंने जो कट लगाया था उसी पे हम इस बर्फी को अच्छे से कट कर लेंगे, काट लेंगे और ये बर्फी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आई होप गाइस आपको ये बर्फी की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा और अपने घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हमारी बर्फी बन के तैयार है।
चलिए आप इसे अपने घर पे ट्राई करिए, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।